एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं बताने वाली हूँ डार्क सर्कल्स के लिए। तो रिया, ये स्पेशली वीडियो आपके लिए, क्योंकि आप काफी टाइम से मुझे कमेंट कर रही थी, दीदी डार्क सर्कल के लिए कुछ बताइए। तो डार्क सर्कल के मेरे पास काफी सारे कमेंट्स आए हुए हैं, तो आज डार्क सर्कल पे बात कर लेते हैं। तो रिया, पिगमेंटेशन तो आपकी जा चुकी है, मुझे पता है। तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे रिप्लाई भी किया, फीडबैक भी दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात करते हैं डार्क सर्कल की। तो मैं आज बहुत वैलिड आपको चार रीजन बताने वाली हूँ जिसकी वजह से डार्क सर्कल्स होते हैं। तो फर्स्ट है गाइज, अगर आपको नींद प्रॉपर नहीं आती, आपकी नींद जो है मतलब एक डीप नींद कहते हैं, डीप स्लीप जो आपको नहीं आती है, और मिनिमम 7 से 8 घंटे हमको सोना ही चाहिए, मिनिमम चाहिए होता है अच्छी नींद, कहते हैं इसको 7 से 8 घंटे। सेकेंडली, अगर आपको किसी पेरेंट्स को है तो हेरिडिटी भी आपको आ सकता है, कि पेरेंट्स में किसी को है तो डार्क सर्कल्स आपको आ सकते हैं। थर्ड रीजन है गाइज, अगर आप बहुत ज्यादा कंप्यूटर पे काम करते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा कंप्यूटर पे काम करने की वजह से, या फिर क्या था, आपकी आई साइड वीक होती है। फोर्थ रीजन ये है कि आई साइड वीक है पर आप लोग डॉक्टर से चेकअप नहीं कराते हैं, फिर चश्मा यूज नहीं करते हैं, तो वो आंखों पर स्टेन पड़ता है, इसकी वजह से भी डार्क सर्कल्स आ जाते हैं। पर डोंट वरी, कोई बड़ी बात नहीं है। हम आज आपको बताने वाले हैं बहुत अच्छी सी रेमेडी, बहुत सिंपल सी है, जेन्युइन रेमेडी है। तो रिया, जो आप जो डाइट आप पिगमेंटेशन के लिए ले रहे थे उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि जो आप डाइट ले रहे हैं, तो आप पपाया ऐड कीजिए अपने फ्रूट्स में। पपाया पपाया जो है विटामिन ए से भरपूर होता है, उससे आपकी जो डार्क सर्कल्स उसको अच्छा रहेगा। साथ में आपको खाना है गाजर, गाजर ज्यादा से ज्यादा गाजर खाओ, ठीक है। आंवला अगर मिलता है तो आंवले का जूस पियो, आंवला लो, आंवला भी बहुत अच्छा रहेगा आपके डार्क सर्कल्स के लिए। साथ में ग्रीन लीफी वेजिटेबल, तो आपकी जो डाइट पिगमेंटेशन के चली थी उससे काफी लिंकअप है ये, तो उससे आपको डार्क सर्कल पे भी इफेक्ट डेफिनेटली आएगा। थोड़ा डार्क सर्कल आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, पर जाएगा जरूर ये भी। तो आपको क्या करना है, एक तो ये हरी सब्जियों पर ध्यान देना है, ठीक। तो यहाँ पर लेना है कच्चा आलू, कच्चा आलू जितना भी आपको रिक्वायर्ड है उतना लेना है, हाफ कर लिया मैंने, इसे काट के मिक्सी में ग्राइंड कर दिया। आप चाहे इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं, तो थोड़ा सा थिक पेस्ट बनाना है, इस तरह से बन जाएगा आपका। मैंने मिक्सी में ग्राइंड किया है, तो मेरा थोड़ा पतला हो गया तो मैंने थोड़ा पानी डाल दिया, पानी ना डालना, ऐसे डायरेक्ट बनाओ ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसमें कुछ भी नहीं मिलाना है, बस इसको ना अपने आईज के चारों तरफ लगा लेना है आपको, और थोड़ा सा मोटी लेयर बनाना है इसकी, ताकि आपकी चारों तरफ आंख के आसपास ही लगा लें। इससे पूरा फेस को कवर नहीं करना है, सिर्फ आईज का एरिया जहां पे आपको डार्क सर्कल्स है इसको अच्छे से लगा लेना है। मेरा थोड़ा सा लिक्विड ही हो गया था गाइज, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जो ये आलू है ना, ये आपकी जो डार्कनेस है उसको रिलैक्स करेगा, अच्छा करेगा, जितना ये ब्लैक ब्लैक है आपका। तो आप इसको अप्लाई करें, हफ्ते में 2 से 3 बार लगा सकते हैं। और गाइज, अपनी आंख के ऊपर इसको लगाने के बाद लेट जाएं, और आंखों के ऊपर जो खीरा होता है ना, खीरा, उसके स्लाइसेस काट के खीरे को आप इसके ऊपर रख दें, आइस के ऊपर, रिलैक्स लीजिए, 10 से 15 मिनट के बाद धो दें और इसको लगातार ट्राई करें, इसे रिजल्ट जरूर मिलेंगे।